हेलो बच्चों मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी हिंदी विषय में बच्चों आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं लोरी सोजा सोजा नन्ही मुनिया इसके कवि हैं सूर्य कुमार पांडे जी ये देखो बच्चों यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको एक झूला है और उसमें एक छोटा बच्चा सो रहा है तो आपको इस चित्र में रंग भरना है बच्चों आपको जो रंग अच्छा लगता है आप वो रंग भरो और जैसे कि आज हमारी ये कविता है सोजा सोजा नन्ही मुनिया इसमें एक माँ है जो अपने बच्चे को सुला रही है लोरी गा के तो चलो हम भी लोरी गाते हैं नैनों में सपनों की परिया हर पल करे बसेरा नैनों में सपनों की परिया हर पल करे बसेरा सोजा सोजा नन्हे मुनिया प्यारा बचपन तेरा तेरी पल को पर खुशियों के फूल हजारों डोले तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहें खोले कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहें खोले तुझको देख लौट आता है फिर से बचपन मेरा तुझको देख लौट आता है फिर से बचपन मेरा सोजा सोजा नन्हे मुनिया प्यारा बचपन तेरा इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें तू खुश है तो ममता खुश है दिन खुश है खुश है राते तू खुश है तो ममता खुश है दिन खुश है खुश है राते शाम सुनाए लोरी तुझको गाए गीत सवेरा सो जा सो जा नन्हे मुनिया प्यारा बचपन तेरा शाम सुनाए लोरी तुझको गाए गीत सवेरा सो जा सो जा मुनिया प्यारा बचपन तेरा प्यारा बचपन तेरा प्यारा बचपन तेरा बहुत सुंदर कविता है इस कविता में कवि ने एक माँ की सारी भावनाओं को इस कविता में व्यक्त किया है अब बच्चों हम कविता के अर्थ भी देखते हैं नैनों में सपनों की परियां हर पल करे बसेरा सोचा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा नैनों में अर्थात आंखों में सपनों की परियां सपनों की परियां अर्थात परियों का सपना देखना माँ बच्चे को परियों की कहानी सुनाती है तो बच्चा परियों के सपने देखने लगता है क्योंकि माँ बच्चे को परियों की कहानी सुना रही है तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहें खोले तुम्हें दुनिया की माँ कह रही है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले तुम्हारे आंचल में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हो तुम्हें हर कदम पे सफलता मिले तुम खूब तरक्की करो और अपनी जिंदगी की राह पे आगे बढ़ते रहो। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही दुआ करती है और हमेशा बच्चों को प्यार करने के लिए अपनी बाहें फैला कर रखती है तुझको देख लौट आता है फिर से बचपन मेरा सोजा सोजा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा बच्चे को देखकर ऐसे लगता है कि बच्चे को देखकर कर माँ को ऐसे लगता है कि उसे अपना बचपन याद आ गया है और माँ अपने बचपन में लौट आती है वो खुद को छोटी उसे लगता है कि वो छोटी हो गई है इसलिए माँ बच्चे को लोरी गाते हुए कहती है सोचा मुनिया सोजा प्यारा बचपन तेरा इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें तू खुश है तो ममता खुश, खुश है खुश है रातें इस दुनिया में सुख दुख से यानी आपको पूरे सुख दुख दुनिया से मिले हैं बच्चे जब बात करते हैं तो वो कुछ भी समझ में नहीं आता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना बच्चों तो वो कुछ बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है फिर भी माँ अपने बच्चों की हरकतें देखकर समझ जाती है कि वो क्या चाहता है जब एक बच्चा खुश होता है तो उसकी माँ अपने आप खुश हो जाती है तब उसकी ममता खुश हो जाती है और उसकी दिन रातें सब खुशी हो जाते हैं शाम सुनाए लोरी तुझको गाए गीत सवेरा सोजा सो जा सो जा नन्हे मुनिया प्यारा बचपन तेरा शाम शाम को माँ लोरी सुनाएगी और सुबह लोरी के साथ गीत भी सुनाएगी अपने माँ अपने बच्चों से कह रही है कि शाम शाम को वो लोरी सुनाएगी और सुबह गीत स, गीत सुनाएगी सोजा, सोजा, नन्ही प्यारा बचपन तेरा बच्चों ये कविता हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है स्वाध्याय सुनो समझो और दोहराओ तो यहाँ पे बच्चों जो मैं बोलूंगी वो आप सुनो उसको समझो और आप मेरे साथ बोल लो ये छ से छत्री है बच्चों छ से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पे लिखे हैं देखो क्षमा अ अच्छा देखो दोनों में छ छ है फिर ये क्या है त्र त्र से त्रिशूल तो त्र से त्रिवेणी मित्र, इधर भी त तो है इधर भी त्र है ज्ञ ज्ञ ज्या से ज्ञान विज्ञान देखो यहाँ पे भी गया है यहाँ पे भी गया है श्र श्रवण विश्राम दूसरा पढ़ो और उनके नाम बताओ जादू दिखाने वाला बच्चों जो जादू दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं जादूगर दूसरा मूर्तियां बनाने वाला बच्चों जो मूर्तियां बनाता है उसे हम क्या कहते हैं मूर्तिकार तीसरा गीत गाने वाला गीत गाने वाले को हम क्या कहते हैं गायक तीसरा पढ़ो और रंगीन शब्दों को पहचानो पहला मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ हमारा पहला वाक्य है बच्चों देखो यहाँ पे माँ है इसमें ए की मात्रा और अनुस्वर लगा हुआ है और इस माँ में ए की मात्रा और अनुस्वर लगा हुआ है बच्चों ये जो माँ है ना मैं इस मै का अर्थ अब इस मै का उपयोग अपने लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है अपने लिए जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो मैं अपने लिए बता रही हूँ ना मैं तो इस मै का उपयोग हम अपने लिए करते हैं और इस मै का उपयोग के अंदर जैसे घर में पिताजी हैं पिताजी कहाँ हैं घर में तो घर के अंदर है ना तो के अंदर के लिए हम में का उपयोग करते हैं और मैं का उपयोग खुद के लिए करते हैं अपने लिए करते हैं ठीक है बच्चों इस मै का उपयोग हम अपने लिए करते हैं और इस मै का उपयोग हम के अंदर के लिए करते हैं दूसरा माँ ने पूछा कहाँ गई थी माँ ने पूछा कहाँ गई थी मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी बच्चों ये जो कहा है ना इस कहा का उपयोग किसी जगह के बारे में बताने के लिए क्या किया जाता है ये जो कहा लिखा है ना इसका उपयोग हम किसी जगह को बताने के लिए करते हैं जैसे माँ ने पूछा कहाँ गई थी जगह के लिए पूछ रही ना कहाँ गई थी तो मुनिया ने क्या कहा क्या कहा मैदान में गई थी तो कहा का उपयोग हम जगह के लिए करते हैं बच्चों मुनिया ने कहा ये जो कहा है इसका उपयोग हम जगह के लिए दिल्ली कहाँ है मुंबई कहाँ है पंजाब कहाँ है ठीक है तो किसी जगह के बारे में किसी जगह के बारे में करते हैं कहाँ का उपयोग ठीक है और कहा, कहा शब्द का उपयोग बच्चों किसी से जब हम कुछ बोलते हैं ना तब हम कहा शब्द का उपयोग करते हैं जैसे मुनिया माँ से कह रही है मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी मुनिया किससे बात कर रही है माँ से तो कहा का उपयोग हम किसी से कुछ बोलने के लिए कहते हैं कहने के लिए कहते हैं और इस कहाँ का उपयोग हम किसी जगह के बारे में जब बोला जाता है तब करते हैं ठीक है किसी जगह के बारे में जब बोला जाता है तब हम कहाँ का उपयोग करते हैं और कहाँ का उपयोग हम किसी से जब कुछ बात करते हैं तब तो हम कहाँ का उपयोग करते हैं कहा तीसरा बिल्ली चूहे की और लपकी और वह भाग गया और और का उपयोग बच्चों किसी दिशा को दर्शाने के लिए करता किया जाता है और शब्द का उपयोग किसी दिशा को दिखाने के लिए जैसे चूहा इस तरफ भागा मोहन उस तरफ जा रहा है तो जो और है और का उपयोग हम किसी कि, किसी दिशा की तरफ जब इशारा करते हैं तब हम उसका उपयोग करते हैं और 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 का उपयोग हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं और का उपयोग बच्चों हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं और ये और का उपयोग हम किसी की तरफ जब इशारा करते हैं या फिर किसी दिशा दिखानी रहती है तब हम और का उपयोग करते हैं जैसे बिल्ली चूहे की और लपकी बिल्ली किसकी और लपकी चूहे की ओर ठीक है तो और का उपयोग हम किसी दिशा को दिखाने के लिए या किसी की तरफ इशारा करते समय करते हैं और और का उपयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं ठीक है बच्चों चौथा सोनू खेल रही है उसकी सहेलियां बैठी हैं बच्चों जो सोनू है सोनू खेल रही है इस वाक्य से हमें पता चलता है ये एक वचन है क्योंकि सोनू यहाँ पे अकेली खेल रही है एक वचन तो एक वचन में बच्चों हम है का उपयोग करते हैं उसकी सहेलियां बैठी है सहेलियां मतलब एक से ज्यादा दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं तो ये बहुवचन के शब्द है तो बहुवचन में हम है का उपयोग करते हैं बस एक अनुस्वर का दोनों में अंतर है ये इस है का उपयोग हम एक वचन के लिए करते हैं और इसका उपयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं ठीक है बच्चों आगे चौथा एक शब्द में उत्तर लिखो आपको एक शब्द में उत्तर बोलना है बड़ा उत्तर नहीं बोलना है छोटा सा गीत गाए गीत किसने गाए सवेरा ये देखो यहाँ पे लिखा है शाम सुनाए लोरी तुझको गाए गीत सवेरा तो हमारा उत्तर आएगा सवेरा दूसरा सपनों में आती सपनों में कौन आती है परियां ये देखो नैनों में सपनों की परियां सपनों में कौन आती है परियाँ आती है ठीक है बच्चों ये सब आप अपनी कॉपी में लिखोगे तुमने देखा हुआ कोई सपना कक्षा में सुनाओ यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने कोई सपना देखा है ना तो कक्षा में सुनाओ बच्चों ये सपना क्या है जब हम रात में सोते हैं ना बच्चों तो किसी किसी को कुछ सपना दिखाई देता है तो आप वो अभी हम कक्षा में कब आएंगे बच्चों तो हमें नहीं पता तो आप लोग ये अपना जो सपना है ना अपने घर में किसी बड़े को सुनाइए अपने मम्मी पापा दीदी भैया दादा दादी कि आपने क्या सपना देखा ठीक है आप उनको सुनाइए आगे तुमने सुनी हुई कोई एक लोरी सुनाओ बच्चों क्या आपने कोई लोरी सुनी है आपकी मम्मी सुनाते समय आपको कोई लोरी सुनाई है या आपकी दादी या आपकी बड़ी दीदी भैया अगर आपने सुनी है तो आप मुझे वो उस लोरी को व्हाट्सएप पे अपना आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए मैं भी देखूँ आपने कौन सी लोरी सुनी है है ना चलो आगे तुम्हें लोरी कौन सुनाता है बच्चों अगर आपने लोरी कोई सुनी है तो वो लोरी आपको किसने सुनाया क्या मम्मी पापा ने सुनाया कि दीदी भैया ने सुनाया कि दादी दादा ने सुनाया कि नाना नानी ने सुनाया कि चाचा चाची ने क्या आपकी प्यारी बुआ ने सुनाया किसने सुनाया वो आप मुझे कमेंट करके बताइए तो बच्चा तो बच्चों आज का हमारा जो ये कविता है सोजा सोजा नन्ही मुनिया वो यहीं पे समाप्त हो जाता है अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझे फोन करके मुझसे पूछ सकता है ठीक है बच्चों और अब हम अब मैं अपनी पाठशाला को यहीं पे समाप्त करती हूँ अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं बच्चों तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके ठीक है बच्चों? लेकिन अगर आप नए हैं और मेरी पाठशाला देखते हैं तो बच्चों सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो कर दीजिए ठीक है बच्चों तो हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय बच्चों